चाहिए 34 रन 36 गेंदे। जी हाँ, ओवर की समाप्ति हो चुकी है, ओवर की समाप्ति हो चुकी है दर्शक बता, 14 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 36 गेंदों पर चाहिए। दर्शक बिल्कुल ध्यान से सुने, 36 गेंदे 34 रन। कांडी जी सीधे जुड़ते हैं आपसे। अब निश्चित रूप से ठाकुर जी वहां पर जाल लगाकर फील्डिंग करना होगा, निश्चित रूप से वहां पर फील्डर जो कि तुकला टीम के, और निश्चित रूप से फिलहाल रोमांच चलता हुआ इस मैदान पर, इस खूबसूरत राजा स्टेडियम पर फाइनल ग्रैंड फाइनल मैच चलता हुआ निश्चित रूप से। और ये जो खिलाड़ी है ये हमारे साथी कमेंटेटर पोलार के छोटे भाई है, छोटे पोलार बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे एक इफर से था, लेकिन वो कितना रन हुआ एम्पायर मॉडल रन, दो रन। जी हाँ बिल्कुल, स्कोरर मॉडल थोड़ा देख नहीं पाए, माफी चाहेंगे, दो रन हो गया। अब यहाँ से चाहिए 11 रन का ये रन अभी शेष रह गया अजीत के लिए, मांझा टीम के लिए, और इम्प्रोवाइजेशन की पूरी मिनट के कोशिश उतनी ही शानदार यहाँ पे जड़ से गेंदबाजी करते हुए परफेक्ट एयरबल का जो कि लखा लुभन रहता है। हमेशा से ही कहा जाता है कि आप क्रिकेट में हमेशा से ही ईयर पर एक लखा लुभन रहता है वो यूज करते हो। मैं पहले से आपको बताया कि मना सबर एक डेप्थ ओवर स्पेशलिस्ट है, जिस प्रकार चेन्नई सुपर किंग्स के लिए डोम ट्रेवल करते हैं, जिस प्रकार पंजाब किंग्स के लिए एंड्रू ट्राई करते थे, उसी प्रकार का यहाँ पे तुकला की ओर से मना सबर उसी प्रकार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। ये गेंद कैसे लाइट दीजिए, 39 गेंदों पर चाहिए 39 रन। ये गेंद इसे धकेला है कवर की तरफ, एक रन लेने का प्रयास, चूक। यहाँ 38 गेंदे 39 रन। दर्शक कर तो बिल्कुल ध्यान से सुने इस फाइनल मैच को, फाइनल का मैच इस समय फंस चुका है क्योंकि विकेट भी गिरी है, 5 विकेट गिर चुकी है, 38 गेंदे 39 रन। तुकला को चाहिए मैच को जीतने के लिए हर गेंद दौड़, सीट मारने का प्रयास इस समय, विनोद के हाथ से छूटता हुआ, 4 रन आता हुआ। अब बच गई है 37 गेंदे 35 रन, विकेट है 5, 37 गेंदे 35 रन। तो सारे लोग फिंगर क्रॉस है यहाँ पे, और जो बोलते हैं ना कमजोर दिल के इंसान ये मैच नहीं देख सकते। इस समय तो हमारे अतिथियों की धड़कन भी तेज हो चुकी है इस फाइनल मैच को लेकर, और जो हमारे मुख्य अतिथि हैं श्रीमान अभिराज मोहन पंडित जी, खुद एक दर्शन है और क्रिकेट को बारीकी से जानते हैं, और इस समय सुपर क्लिप खिलाड़ी है मौजूद, बचाया है इस बार चौका। जी हाँ, तारीफ करूंगा यहाँ पर विरोध के खिलाड़ी को, वहाँ पर लगा के रखा है प्रकाश भाई, अटैकिंग फील्ड प्लेसमेंट का जो इंटेंशन पहले से ही दिख रहा है, और वो अटैकिंग इंटेंट के चलते इस मैच को यहाँ पे सहज में जाने नहीं दिए हैं, पूरी तरीके से यहाँ पे डिसिप्लिन करते हुए कप्तान तुकला, तारीफ के काबिल कप्तानी आज दिखी है, भले ये मैच कौन भी जीते लेकिन यहाँ पे दिल जीत रहे हैं कप्तान विनोद। जी हाँ, दोनों ही टीमों ने अच्छा प्रदर्शन किया, और हर गेंद के बाद विरोध से रूबरू होते हुए आंख मिलाते हुए ऐसी गेंदबाजी करिए, मैच तो ना आपको आसानी से देंगे नहीं, आप लड़िए और लड़िए। मिड इनिंग्स का जो सिलसिला था उसी दौरान बताया था 115-120 रन के अंदर भी विपक्षी टीम को डिफेंड कर सकते हैं वो यहाँ पे दिखता हुआ, यहाँ से यदि मैच जीत लेते हैं तो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट कहा जा सकता है। जी हाँ, मंटू तो भरपूर प्रयास कर रहे हैं, 2-3 गेंदे और डॉट डालनी होगी तब जाकर दर्शकों का जो प्रेशर है मैच पर बना रहेगा। इस समंदर की तरफ आती हुई गेंद और शॉट पर खड़ी खिलाड़ी ने इसे फील्ड कर लिया है, कोई रन नहीं प्रकाश भाई, लगातार डॉट बॉल और बैट्समैन ने प्रेशर। जी हाँ, प्रेशर तो इस समय सब पर सभी पर पड़ता हुआ। जी आप जैसे ही गेंद टप्पा खाएगी बिल्कुल आखिरी दो गेंदे शेष है इस समय इस ओवर की, ये गेंद अंदर की तरफ आई है और गली के खिलाड़ी दौड़ कर इसे फील्ड करते हुए, और विनोद ने इसे जबरदस्त ढंग से इसे लपका, मात्र 1 रन, अंतिम ओवर फंस सकता है प्रकाश भाई। बिल्कुल, यहाँ पे यदि ये जो आखिरी गेंद है यहाँ पे सिंगल भी ना दिया जाए
और यदि कोई बाउंड्री लीक हो जाता है, यदि कंसीड कर देते हैं, तो पूरी तरीके से इस मैच में मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा। जो अभी बराबरी इक्विलिब्रियम का जो पोजीशन है, यहाँ पे देखिए, यदि यहाँ पे आखिरी गेंद पर एक रन भी होता है या डॉट बॉल निकालते हैं तो सोने पे सुहागा टुकड़ा जी। हाँ, सात गेंदों पर जाइए, सात रन, गेंदबाज चले और इस समय गेंद आउट हो चुकी है। छह गेंदे, सात रन, अंतिम ओवर का खेल शेष बाकी। और यहाँ पे हमारे हेलो जी, हाँ, आप चाहिए छह गेंदे साथ जुगेंद्र वेलन चढ़ दें तो ऊपर का जो नजारा वही यहाँ पर सेट करने की कोशिश हो रही है। दोनों बैट्समैन की ओर से और सभी को बता दें, आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान अधिराज मोहन पणिग्राही अग्रवाल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हरियाणा का सिद्धांत पहुंचने वाले हैं। हरियाणा के लिए बहुत ही शानदार तरीके से।